नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और आका का इंतकाम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वो घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। डाकुओं के देवता गगोल सूरबीन की प्रार्थना कबूल करो, मैं जानता हूं कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यहाँ डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथों में था, तो गगोल देवता हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी इस जंगल में सफेद चादर से फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहाया जाता था। फिर नरमुंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वो सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है, ये वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। ये सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए या जेलों में सड़ रहे हैं, मैं बचा हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मारकर बदला ले सकूं। और सूरबीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी घर पर, भगवान मेरी भीम सैनी लट कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफी दिनों से चोर उचक का घर में नहीं आया, इसलिए लट की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। वो अनाड़ी चोर था, खोपड़ी पर दो बेलन पड़ते ही वो भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वो नकारा हो जाती है। लठ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही है। देखता हूँ, शायद जहाँ फालतू चीजें रखी रहती है वहां स्टोर में वो पड़ा हो। मिल गया, बेचारी की क्या दशा हो गई है। धूल की परत जम गई है और उसके इर्द गिर्द मकड़ियों ने जाल बुन दिया है। इस लठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली और एक गली के नुक्कड़ पर तड़ 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 भागो। चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहाँ गया वो कमबख्त? अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। तड़ 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 धड़ाक आह। धन्यवाद चौधरी, ये डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लट। फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वो मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगल कर राका चीर निद्रा सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे विशाल मछली वेल निगल गई। वो कई दिनों तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैरती रही। डाकू राका वेल मछली के पेट में अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चीर निद्रा का फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती है। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर बाहर का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वो वेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। कन्हैयालाल, ये कुत्ता क्यों रो रहा है? कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। राका समुद्र की गहराइयों से ऊपर सतह की ओर चल देता है। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो, समुद्र में तो हलचल होती रहती है। ओह, ये क्या? निधि, संभालो। चूहो, जाओ पानी में मछलियों का भोजन बनो। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। ये फिल्म हाउसफुल जा रही है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी।
आग कहाँ मिलेगी? हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए उस थिएटर में ये शो अच्छा रहेगा। अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन थे। रीटा, आओ हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे सिवाय और कोई ना हो। इस थिएटर को जलाने के लिए ये पेट्रोल काफी है। इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो। और राका ने जो ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा थिएटर धू धू करके जल उठा। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जाल मचाने के लिए भागे। आग आग, तुम सबको मरना है। तुम अगर अंदर नहीं मर सके तो बाहर आकर मरोगे। जिंदा बचने के लिए ये राका को गवारा नहीं। बचाओ, राका खुद अपने ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है कि लगता है जैसे एक ही सांस में सारे पृष्ठ चट कर जाओगे। साबु, जो कुछ खाना पीना हो खाना पोना खान साबु जो कुछ खाना पीना हो खाल खा पी लो और कमर कसकर तैयार हो जाओ। क्या शहर में कोई दंगल हो रहा है? नहीं, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा के थिएटर में आग लगा दी, जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। वो जालिम फिर तबाही मचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे लिए वो एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा। काश हम ऐसा कर पाते। चक्र मचाने की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। मुझे राका के पास ले चलो। फिर भी असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। राका को रोकना ही होगा। चलिए चाचा जी, अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है, अगर वो हमें मिल जाए तो क्या कहना। अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। चाचा जी, तुआड़े वासे जान हाजिर है, पर ये ट्रक आगे नहीं हो जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक ट्रक दे टायर विचे हवा निकली हुई है। टायर में हवा भरना हम पर छोड़ दो। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। और टायर में हवा भरनी शुरू हो गई। अरे साबू रुको, क्यों? तुमने तो जरूरत से ज्यादा फूंक मार दी। अरे सबुआ, तोरिया नहीं हो सहरा। चाचा जी, तुसी चिंता ना करो, टायर बिच्चू हवा करना मुश्किल नहीं। लो हुन हवा पूरी है, तुसी जित्ते चाहो ट्रक ले जा सकते हैं। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। सच्चे बादशाह एनानू जालिम राका नाल निपटने वासे शक्ति दुई। चाचा जी, जरा स्पीड बढ़ाओ। उधर सर, ये वही है जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर के आगजनी की वारदातें कर रहा है। ये तो राका है, ये मनहूस कैसे वापस आ गया? सर, ये पुराना मुजरिम लगता है। राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर। लो आ तेरी ये मजाल कि हमारे अफसर के साथ गुस्ताखी। धाए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये लो गोली का उस पर कोई असर नहीं, भाग निकलना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, आग के लपटों ने जीप को जकड़ लिया था। सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा, इंतकाम। उधर चाचा चौधरी और साबू बढ़े चले आ रहे थे। आगे वही शहर है जहां राका ने कोहराम मचा रखा है। सामने प्रोफेसर गोड़बोले आ रहे हैं। वो मेरे मित्र हैं, वो इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। वो शायद बताएं कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। प्रोफेसर गोड़बोले, हम राका से निपटने आए हैं। चौधरी, राका बेसुमार हत्याएं कर रहा है, अगर उसे रोका ना गया तो 4 दिनों में ही खूबसूरत सा शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ।
मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज्यादा देर करेंगे, राका उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेगा। लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। ये मेरी नई इजाद है जो इसे नकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। अच्छी बात है साबू, आओ चलकर देख ले गुणगोले ने क्या बनाया है। बस एक मामूली पिंजरा। प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। ये कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई मजबूत धातु का आविष्कार किया है। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी है। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बम रखता हूँ। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। कड़म। गुड़बोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें टेढ़ी भी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो वहां पत्थर की दीवारें थी उसे देखो। दोस्त, राका को बंद करने के लिए यह अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा? नहीं, वह खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, तो वह हमें मारने यहाँ आएगा। बिल्कुल ठीक साबू, तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे उस पिंजरे में डालना हमारा काम है। प्रोफेसर गुड़ बोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर एक यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों, ये काम मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो। हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग में से बौखलाया हुआ है। वो कुछ भी कर सकता है। चिंता ना करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जाने बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। ये नेक काम मैं क्यों ना करूं। और गड़बोले की कार सरसराती हुई का राका को ढूंढने चल दी। समुद्र के किनारे बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी उस पर एक पॉइंट चढ़ गया। समझो इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। थोड़ी दूर पर ये कौन मेरे आराम में खलल डाल रहा है? कीड़े मकोड़ो, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर ना कर सको। जाओ पानी में गोते खाओ। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा, मैं गला घोटकर उसे मार दूंगा। अब क्या होगा, बचना मुश्किल है। तभी बचाओ बचाओ। मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वो इसे पानी के नीचे खींच ले जाता वो इसे पानी के नीचे खींच ले चला। एक एक करके चारों लुप्त हो गए। मेरी तलवार, अब मुझे किन्हीं और से हिसाब चुकाना है। काश मुझे कोई बता दे कि वो लाल पगड़ी वाला और उसका साथी कहाँ होंगे। इतनी बड़ी काया वो राका ही हो सकता है। जी चाहता है कि पूरी स्पीड से कार उससे टकराऊं। ये कौन बदतमीज है? लोग मुझसे दूर भागते हैं, ये कार वाला खुद मरने चला आया। धड़ाक। छछुंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बता तो खुद मरने क्यों चला आया? राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में मैं जरा एक्सलेटर पर पैर ज्यादा दब गया है। छछुंदर, क्या तुम ये सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर मुझे बिना देर किए उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वो कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुंचा दे। प्रोफेसर गुड़ बोले, राका को ले आया। हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरे दुश्मन सचमुच यही है। छछुंदर, हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए छछुंदर हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका, नहीं। राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी अब तेरा नंबर है।
अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में फिर आ गए। पहले मैं तेरी गर्दन कलम करता हूं। सर्राट, बच गया। राका के वार खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले कर दिए। ये वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एकदम बैठता ना तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसके हथियारों से वंचित करो। अगली बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। बस काफी हो गया। धड़ाक। ओह लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। आओ, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बनाया है। जहां पला को वहां भेजने की तैयारी है। साहू, पिंजरे का दरवाजा खुला है, इसे अंदर फेंको। शहंशाह आलम, जाइए वहां तशरीफ रखिए। आपकी जगह वहां है। मैं इन सलाखे को तोड़ डालूंगा। तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते। ये पिंजरा एक नई धातु से बना है जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने इजाद किया है। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो मारो मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। सिपाही दुनी चंद, तुम्हारा काम है यहां पहरा देना ताकि कोई इस पिंजरे को खोल ना सके। आप बेफिक्र रहे। चलो, एक समस्या तो हल हुई, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या ये सच नहीं कि ढाका अद्भुत धातु के बने पिंजरे को नहीं तोड़ सकता? ये सच है, मगर वो ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल ये है कि ये बात कब राके की खोपड़ी में आती है? तो फिर हमें क्या करना है? वो दरिंदा तो पिंजरे से बाहर निकलकर ही मारकाट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर वेदराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा। वे कोई उपाय बताएंगे। चचा चौधरी और साहू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए वगैरह यह समस्या हल नहीं होगी। पीछे भोगल, ये तय पाया था कि उस समय घर जाएंगे जहां डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चचा चौधरी के घर ले आए। भोगल, चचा चौधरी और साबू दोनों बाहर हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है? चोर इलाकों में ये बात मशहूर है कि जब चचा चौधरी घर में ही होता है तब उसका घर ज्यादा सुरक्षित होता है। भोगल, तू बड़ा डरपोक है। बाहर खड़ा होकर देखता रह कि कोई अंदर ना आए। मैं भीतर जाकर माल लाता हूँ। सब्जी तो बन गई है, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। औरत, तुम्हें जिसका इंतजार था वो आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी एवं कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। बेवकूफ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है, इससे मक्खी भी नहीं डर सकती। ये रही अलमारी। गर, ओ भो भो, मर गए। रॉकेट, इन्हें दूर तक खदेड़ आओ। भो भो। उधर सत्यानाश, मीटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया है। ट्रक को यही छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं। इस तरह हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे। नमस्कार चाचा जी, एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी, कुछ देर मेरे अतिथि बनकर स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हो? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हो। वाह, ये घने जंगल में आसानी से उतर जाएगा। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चला। कहो साबू, कैसी रही? ऐसी एडवेंचरस यात्रा के आनंद का क्या कहना। उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया है। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वो अच्छी जगह है। हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। सुरक्षित उतर आए। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। यह जंगल शायद विश्व का सबसे घना है। विश्व का सबसे घना ना सही, पर जो घने जंगल जंगल है उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है इसलिए। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, इसे वापस यहाँ छोड़ने आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम करते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते।
ये यहाँ की जलवायु और इस जंगल के दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया है और उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें इस वृक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चिर निद्रा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वो भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को मौत के घाट उतार चुका होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा, आपको कुछ ना कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरो, सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो। उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है सनखो। वो मेरी नानी है, वो तुम्हारी मदद करेगी। बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र 1000 से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में वहां हो? इस दुनिया में कैसे होगी? साबु, यहाँ के चमत्कारी जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा, माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शंखो नानी के पास जाएंगे। एक बात याद रखना, शंखो अद्भुत जादूगरनी है और थोड़ी गुस्सैल भी, इसलिए तुम्हारी साथी वहां कोई गुस्ताखी ना करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। यहाँ जंगल में रहने वाले भी बड़े रहस्यमयी लोग हैं। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचे और वो रहा त्रिशूल वाला झंडा। बस हमें यही उतरना है। आओ, अब हमें गुफा ढूंढनी है। वो रही गुफा जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। ओह, काफी भारी है। लो चाचा जी, अब आप अंदर जा सकते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगर सनखो नानी, ठहरो, कुछ देर के लिए ये खेल रोकना पड़ेगा। क्यों, तुम हारने वाली हो इसीलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी। कोई यहाँ घुस आया है। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठियों को बांध कर लाओ। उसने हवा में जादुई छड़ी घुमाई। ओह, ये क्या? इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबु कुछ सोच पाते कि वे खींचे चले गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? मैं चाहूं तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूं। हाँ बताओ। नहीं साबु, धैर्य से काम लो। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, मेरे नाती वज्र ने? तब तो तुम हमारे मेहमान हो। जादुई रस्सी, इनके बंधन खोल दो। सनखो नानी ने फिर छड़ी घुमाई। हम आजाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो। सचमुच ये मेरी पसंद का खाना है। बताओ मेरा नाती वज्र कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब वो कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अब भी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतने दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसने ना मरने वाली औषधि पी रखी है। वो लोगों पर अत्याचार कर रहा है। उसने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है, पर वो किसी वक्त भी ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। कुदरत के नियमों को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता। हाँ, एक उपाय है। ये बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो। जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा, वो बाहर ना आ सकेगा। राका किसी चूहे का नाम नहीं है, वो लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वो कैसे आएगा? आओ चाचा जी, चले, यहाँ आकर मुझे निराश हुई। ठहरो, ये देखते जाओ कि पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आ जाता है। शंखो नानी जादू के इशारे करती है। ओह, अजीब बात। आओ, अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दो तो तुम बाकी के उम्र अंदर ही गुजारोगे। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबु की तरफ से माफी मांगता हूँ।
कोई बात नहीं बच्चा है, मेरा नाती वज्र भी बचपन में बहुत शैतान था। चलो बाहर निकलो, शुक्र है तुमने तो मेरा दम खुशक कर दिया था। नानी माँ एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? फिर गुस्ताखी, जानता नहीं औरतों की उम्र नहीं पूछते। अच्छा नानी माँ हम चलते हैं, उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर राखा का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी। चाचा चौधरी और साहू वापस शहर की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर के पंखे तेज हवा फेंक रहे हैं। उधर राका बैठा क्या सोच रहा है, यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे निकालूंगा। लेकिन राका किसी और सोच में था। पिंजरे पर लटकते ताले ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। इसे मैं तोड़ सकता हूँ। अरे क्या करते हो, ताला छोड़ दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और ताला टूटकर अलग हो गया। खटाक, धाय, रुक जाओ, धाय, चूहे, आह, मेरी तलवार। चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पांव जहां पड़ते वह लोगों की लाशें बीत जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ब्रिज का ये तना पुल तोड़ने में काम आएगा। मजबूत हाथों ने तन्ने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। धड़ाक, कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैंने छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूँ, मेरा ये बिजनेस टूर है। ओह ये क्या, गाड़ी पुल से नीचे जा रही है, कूदो माँ। सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। रोमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है, मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। राका, वो सबको मार डालेगा, भागो। और जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। लोग आखिर भागते कहाँ, राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। आह मेरा बाजू। वो एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको सबको उड़ाता चला गया। नीचे शहर जल रहा है, लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया है। हाँ वो रहा शैतान, शहर के बाहर ही मिल गया, शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। नीचे उतरो कायरो, मुझसे कब तक छिपते रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो, लेकिन क्योंकि वहां मैं पहुंच नहीं सकता। पर जान लो, जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे, मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। सारी रात बुखार बुखार चढ़ा रहा। जाकर अस्पताल से दवाई लाऊं। बुढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राका, तेरे सारे कष्टों का निवारण, बुजदिल बीमार औरत को मारना चाहता है, मैं आ रहा हूं। थर आ अब तक तुम कोई ना कोई चाल चलकर बचते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है, मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। खटाक, ओह बच गया। राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। आखिर कब तक बचोगे सर्राट? मैं थक चुका हूं, परंतु मैं चुका नहीं हूं। उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। ये शैतान निहत्थे साबु पर वार किए जा रहा है। ये पेचकस राका का ध्यान शायद कुछ बटा दे। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के सर पर दे मारा। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा। राका आग बबला हो उठा। चल हट, दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम। चाचा चौधरी दूर सूखे घास के ढेर में जा गिरा। धप, ओह वो जादुई बोतल घास फूस में कहाँ खो गई है, उसे ढूंढना मुश्किल है। फटाक, इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशती हुई चली गई। कंधे से खून बह निकला।
जख्मी शेर की तरह साबुक गुस्से से पागल हो गया, और जब साबुक को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। धड़ाक, आह, ये लो बाया मेरा कंधा जख्मी करने के लिए। सटाक, और ये रहा दाया, राका चक्कर खाकर चीत हो गया। ओह चाचा जी, बोतल लाओ, इस जंगली जानवर को बंद कर दे। अरे वो कमक तो मिल ही नहीं रही, जल्दी ढूंढिए, इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता, मुझे नीचे उतारो। आहा, मिल गई नानी माँ की जादुई बोतल। साबू, मैं आ गया, फेंको उस पिचास को। ओह लो, हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया, बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, अब आप अंदर की तशरीफ रखेंगे। इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोद कर इसे गाड़ दिया जाना चाहिए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और ना राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। साबू, बस काफी है, जाओ राका, तुम जिंदा रहोगे पर जमीन के नीचे, जहां तुम किसी को कष्ट ना दे सकोगे। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चले, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए गए हैं? क्योंकि जालिम राका को जमीन में गाड़ दिया गया है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप टेक पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।